हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट इडली एंड इंस्टेंट सांभर। जी हाँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, सिर्फ 20 मिनट में। हम ये रुई जैसी, देखिए बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट इडली बनी है मेरी, और मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी स्पॉन्जी है। तो सिर्फ 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, इडली और सांभर। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं सीजनल वेजिटेबल, इसमें है लौकी और कद्दू। मेरे पास घर पे इस समय यही अवेलेबल है। आपके पास गाजर, फ्रेंच बीन्स, बैंगन, जो भी सब्ज़ी पड़ी हो घर में, आप उसे सांभर तैयार कर सकते हैं। तो एक बोल मैंने यहाँ पे लौकी ली है और एक बोल ही यहाँ पे कद्दू लिया हुआ है, और इसे मैंने छील कर धो के काट लिया है। कद्दू को मैंने छीला नहीं है क्योंकि इसका छिलका हरा था। साथ में मैंने लिया है आधी कटोरी तुअर दाल यानी अरहर की दाल, जिसे मैंने धो लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 5 मिनट के लिए भिगो भी सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको इतना डालना है कि आपकी दाल और वेजिटेबल्स जो है उससे पूरे से ढक जाए, उसके लेवल तक आ जाना चाहिए पानी, इतना डालना है। नेक्स्ट इसमें स्वादानुसार नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। यहाँ लगभग 1 टीस्पून के आसपास मैंने नमक डाल दिया है और आधी चम्मच हल्दी। ढक्कन लगाकर हम कुकर को और प्रेशर कुक करेंगे सब्जी और दाल को लगभग 15 मिनट तक सिम फ्लेम पर। और तब तक हम अपनी इडली की तैयारी कर लेते हैं। मैंने आधा किलो सूजी ली है और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप चाहें तो नमक अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच गाढ़ा दही, और साथ में अगर दही का खट्टा पानी है तो आप वो भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया है, इस तरह का एक थिक पेस्ट तैयार कर लें। अब हम इडली बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट इडली है तो ज़्यादा इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत तुरंत ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक बोल में सेपरेट कर लिया है क्योंकि मैं एक साथ इसमें इनो पाउडर नहीं मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इनो एक बोल मैंने बैटर जो निकाला है उसमें मिलाऊंगी। यहाँ पे जो मेरा सांचा है वो 8 इडली का है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बैटर निकाल रखा है। आपका सांचा जितना हो उसके अकॉर्डिंग बैटर निकालें और उसमें 1 टीस्पून इनो डाल दें, और आप देखिए ये इस तरह से फ्लफी हो जाएगा। उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दें और इस तरह से वो फूल के हल्का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मोल्ड्स लिए हुए हैं और उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है ताकि ये इडली हमारी इजीली बाहर आ सके। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप स्टीमर हो या कुकर में आप बना रहे हो या पतीले में बना रहे हो तो आप उसको भी सेम मेथड अप्लाई करें। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, आप उसमें भी पानी भरकर तली में और अपने जो स्टैंड है उस पतीले में रख दें और उसको ढक दें। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने उसी का बर्तन लिया है, और ये देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब मैंने पानी भर दिया है। मोल्ड्स को मैं इस बर्तन में रख दूंगी और ऊपर से लिड लगा दूंगी। इस लिड में ये देखिए आप एक होल दिया हुआ है ताकि यहाँ से स्टीम बाहर आ सके, और इसे मैं अब माइक्रोवेव में रखूंगी। माइक्रोवेव में इडली 5 मिनट 20 सेकंड में तैयार हो जाती है मेरे माइक्रोवेव में हाई पावर पर, और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको मीडियम फ्लेम पर उसे पकाने में। तो बीच बीच में आप उसे चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट 20 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया है। तब तक मेरा सांभर, जब तक हमने इडली तैयार की, सांभर हमारा रेडी हो गया है। इसे खोल के देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें गर्म पानी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं।
अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून, और उसमें 1 चम्मच राई डाली है, 2 लाल मिर्चें टुकड़े करके डाल दी मैंने सूखी, और 1 स्प्रिग मैंने कड़ी पत्ते का डाला है, 1 बड़ी प्याज मैंने चॉप कर रखी है, और 1 हरी मिर्च, इनको भी डाल के हल्का सा बस हम फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 बड़े टमाटर हैं जिसे मैंने फाइनली चॉप कर रखा है। साथ में डालेंगे 1.5 टेबल स्पून सांभर पाउडर, जो मैंने ये घर में ही तैयार किया हुआ है। अगर आप मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा तीखा हो, तो आप 1 टेबल स्पून डालें। और यहाँ पर इंस्टेंट बना रहे हैं तो मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ किया है 1 टीस्पून, और साथ में डाली है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच मैं यहाँ पर सांभर का जो पानी है वो डाल रही हूँ, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। साथ में डालेंगे 1 चम्मच चीनी, अगर आपके पास गुड़ है तो 1 टुकड़ा आप गुड़ का भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से सांभर का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 से 1.5 चम्मच चीनी आप इतने सांभर में डाल सकते हैं। अब तड़का तैयार हो गया है, इसे हम अपने गरम सांभर में डालेंगे, और सांभर देखिए बिल्कुल बॉईल हो चुका है हमारा, लगभग बॉईल आने वाला है इसमें, और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर दें, सांभर बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पर अमचूर की जगह इमली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है। ये देखिए इडली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पाइपिंग हॉट, और इसमें से काफ़ी भाप भी निकल रही है। और ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, 1 मिनट का रेस्ट दें इसे बस, और रेस्ट आपको इडली को तुरंत जैसे ही एंड हो बाहर निकाल लेनी है, माइक्रोवेव में नहीं छोड़नी है, और जो रेस्ट देना है वो बाहर निकाल के देना है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी इडली हमारी तैयार हुई है। अगर आप माइक्रोवेव में उसे रेस्ट देंगे तो इडली जो है गर्माहट पा के बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी और टाइट हो जाएंगी, तो उसे तुरंत बाहर निकाल लें। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है हमारी, तो इसे मैंने सांभर के साथ सर्व किया है, और आपने देखा कितनी झटपट से तैयार हो गई। एक तरफ मैंने सांभर रखा, दूसरी तरफ इडली का बैटर तैयार किया, और इडली रखी, इतनी देर में मैंने सांभर का मसाला तैयार कर लिया। तो बहुत ही झटपट से बनने वाला स्नैक है, और आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में, या शाम की छोटी भूख में भी बना सकते हैं। तो आई होप आप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरे साथ बने रहें, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।